नमस्कार, आप देख रहे हैं देश ऑनलाइन। मैं हूं आपके साथ आख्या। अफीम की खेती वैसे तो काफ़ी फायदे का सौदा है, लेकिन अगर इसे कानूनी सारी औपचारिकताएं निभाकर किया जाए तब, वरना ये अफीम की खेती पड़ जाती है महंगी, क्योंकि ये हो जाती है गैर कानूनी। मध्य प्रदेश के कटनी क्षेत्र से ऐसी ही एक गैर कानूनी अफीम की खेती का मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश के कटनी से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्लीमानाबाद गांव के एक क्षेत्र में अफीम की भारी मात्रा में खेती की जा रही थी। इस खेती के बारे में सूचना मिलते ही SDM जो वहां के थे, रोहित सिसोनिया, उन्होंने मौका वारदात पर पहुंचकर दबिश की और दबिश में कुछ आरोपी भी गिरफ्तार हुए। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि वहाँ के लोगों से ये आरोपी राजस्थानी राई के नाम पर अफीम की खेती कर रहे थे। इन्होंने गांव वालों को ये बताया था कि हम राजस्थानी राई की खेती कर रहे हैं, और छिपकर बड़ी मात्रा में ये लोग लगभग 3 एकड़ की ज़मीन में अफीम की खेती कर रहे थे। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है। पुलिस ने इस अफीम की खेती पे जो अफीम उगाई गई थी उसे कटवा भी दिया है और पूरी ज़मीन को अपने हवाले कर लिया है। यह खबर है मध्य प्रदेश के कटनी ज़िले के पास की। मध्य प्रदेश के कटनी ज़िले से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर एक सलैया पंचायत छपरा वीरान ग्राम स्थित है। इस ग्राम में स्थित इस खेत में बड़ी मात्रा में अफीम उगाया जा रहा था। अफीम की खेती की सूचना मिलते ही मौके पर बोहरीबंद के SDM रोहित सिसोनिया ने व तहसीलदार विजय सहित स्लीमानाबाद पुलिस बल ने खेत पर दबिश कर डाली। इस दबिश में 3 आरोपी मौका वारदात से फरार हो गए। ये आरोपी मोटरसाइकिल से हालांकि वहां थे, लेकिन दबिश पड़ने पर वो अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर वहां से भाग खड़े हुए। पुलिस ने फिलहाल इस खेत में अफीम की खेती को कटवा दिया है और इस पूरी ज़मीन को जब्त कर ली है। फिलहाल इस मामले की जांच भी चल रही है। बोहरीबंद SDM रोहित सिसोनिया ने यह भी बताया कि अफीम की खेती करने में कुछ बाहरी लोगों का भी हाथ हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि हो सकता है मध्य प्रदेश के बाहर से भी कुछ लोगों ने अफीम की खेती करवाई हो। इस बात की भी अभी जांच चल रही है। खेती करने वाले आरोपी ने गांव के लोगों को यह बताया था कि वह अफीम नहीं बल्कि राजस्थानी राय की खेती कर रहा है। अफीम के नाम पर राजस्थानी राय की खेती लगातार हो रही थी। देश भर की ऐसी तमाम जानकारियों के लिए आप देखते रहिए हमारे साथ देश ऑनलाइन। हमारे चैनल देश ऑनलाइन, पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले, ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।